जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में तथा उससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे तथा इसके साथ साथ जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वैद्युत बल रेखाओं से, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई आवेश है या कोई आवेश है तो किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ निकलने वाली काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये आवेश हो गया, इसके चारों तरफ। अब ऐसा है नहीं कि केवल यहाँ पे चार लाइनें निकलेंगे, यहाँ पर ढेर सारी लाइनें निकल सकती हैं तथा इन लाइनों का एक विशेष गुण होता है। जैसे मान लीजिए इसके द्वारा इस प्रकार से यहाँ पर लाइन निकल रही है, हम लोग केवल एक साइड के लाइन को लेते हैं। तो अब अगर यहीं पर अगर किसी दूसरे आवेश को ला दिया जाए, जैसे मान लीजिए यह एक आवेश क्या हो गया, यह हो गया Q1, एक आवेश हो गया Q2। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर यह जो वैद्युत बल रेखाएं रहेंगी ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। मतलब अगर यहां पर पढ़ेंगी या ऐसे चली जाएगी या ऐसे या ऐसे या ऐसे, इस प्रकार से यह मोड़ करके चली जाएंगे, लेकिन कभी भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये लचीली होती हैं तथा सुगमता से एक दूसरे से बच करके निकल के चली जाती हैं। तो यह होता है वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यह जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है यह डायरेक्टली प्रपोजल होती है आवेश के। मतलब आवेश जितना अत्यधिक होगा, आवेश की मात्रा जितना अत्यधिक होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखाएं डायरेक्टली प्रपोजल होती है 1/εr। मतलब अगर यही वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, अगर इसके बीच में यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो जो इसकी दर होती है वह घट जाती है। तो वैद्युत बल रेखाएं इनडायरेक्टली प्रपोजल होती है 1/εr। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को देखें तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डायरेक्टली प्रपोजल Q/εr। अब प्रपोजल हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, मान लीजिए यहाँ पर के आ गया तो यहाँ पर Q/εr आ जाएगा। तो अब यहाँ पर के आ गया, मान लीजिए अगर के बराबर एक हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बराबर Q/εr। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो यही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब मान लीजिए जैसे क्या हो गया, अगर कोई गोले चालक गोले के द्वारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, चालक गोले के द्वारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रो फोर्स लाइन, ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं, तो इलेक्ट्रो फोर्स लाइन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बटा उसका क्षेत्रफल, रेखाओं की संख्या बटा उसका क्षेत्रफल। तो यहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का वह समीकरण हमने पहले ही देख लिया, यहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है Q/εr। तो यहां पर हम लोग रखेंगे Q/εr इंटू जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए इसे ए से दिखा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा Q/εr। अब यहां पर क्या दिया है, चालक गोला दिया है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि ए बराबर यहां पर हो जाएगा 4πr². अब ये 4πr² आया कहां से, तो यहां पर पूछा है गोले के लिए, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहां पर हो जाएगा Q/4πr² इंटू εr। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/4πε₀ इंटू Q/r². और यह आपके गोले चालक तार के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके निकलने वाला इलेक्ट्रो फोर्स लाइन इतना होता है।
तो यह हो गया चालक गोले के द्वारा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अनंत लंबाई वाले चालक तार के द्वारा, अनंत लंबाई वाले समतल प्लेट के द्वारा हम लोग देखेंगे। दूसरा, अनंत लंबाई वाले समतल प्लेट के द्वारा, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा। इसके द्वारा क्या हो जाएगा, यहां पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला यहां पर, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अपान क्षेत्रफल। यहां पर फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अपान क्षेत्रफल। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पूरे का बटा। अब यहां पर सूत्र क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो यहां पर समतल प्लेट का क्षेत्रफल होता है ए, अभी इसको अलग से लिखेंगे तो यहां पर ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। और वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो समतल प्लेट है, समतल प्लेट का क्षेत्रफल होता है ए बराबर टू पाई आर एल। क्या होता है, समतल प्लेट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ए बराबर टू पाई आर एल। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे ए बराबर टू पाई आर एल, जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अब हम लोग इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एल। तो यह हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर एल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर एल। तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा किसके द्वारा, समतल प्लेट के द्वारा जो वैद्युत बल रेखाओं की जो तीव्रता होती है वह इतनी होती है, और वैद्युत ओ चालक गोले के द्वारा जो वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता होती है वह इतनी होती है। और यह आप लोग जानते रहिए, जो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, और वैद्युत बल किसी आवेश के चारों तरफ निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं। तो मतलब काल्पनिक रेखाएं जो होती है वह वैद्युत बल रेखाएं होती है, तो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात किए हैं। तो यह होता है समतल प्लेट के द्वारा, या हो गया चालक गोले के द्वारा। अब आइए हम लोग इस पे न्यूमेरिकल को देखते हैं। जैसे आपके इंटर लेवल के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए या एक क्वेश्चन इस प्रकार से दी थी, या कोई आवेश है Q1 या कोई आवेश है Q2 और इसके द्वारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मान लीजिए हमने ले ली है 4, यह हो गया 4, और इसके द्वारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हो गई 8, यह मान लीजिए हो गया 8। तो अब पूछेगा इसमें Q1 व Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का अनुपात, मान लीजिए रेशियो पूछ लिया। तो अब हमें इसे ज्ञात करना है, तो हम लोग देखेंगे जो Q1 है, Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है उनकी संख्या है 4, और जो Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है उनकी संख्या है 8। अब क्या पूछा है, रेशियो। तो रेशियो के लिए यहां पर हो जाएगा Q1 अपान Q2 बराबर 4/8। तो अभी कट कर आ जाएगा 4 × 4, 4 × 8, तो जाएगा 1/2। तो Q1 रेशियो Q2 बराबर 1:2। तो यह हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लायक पूछने वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार से नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है। तो अब आइए आशा करते हैं कि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यह है, आप लोग हल ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है ही। मान लीजिए एक में 8 हो गया और एक में हमने 16 कर दिया, या आप लोगों के लिए है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे आप लोगों को करना है तथा कमेंट में इसका आंसर बताना है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। अब आइए हम लोग जो प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसे तो हमने कर लिया, अब जो कंपटीशन लेवल के पूछे जाते हैं उसे आइए हम लोग करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई आवेश है Q1 है और यहां पर कोई आवेश Q2 है तथा इनके बीच की दूरी मान लीजिए R है,
तो अब यहां से एक वैद्युत बल रेखा है कुछ थीटा कोण पर, इससे जाकर के Q2 से जुड़ी हुई है। अब यहां पर एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक कोण हो गया अल्फा, यहां पर हो गया बीटा, तो अब ये क्या हो गए, अल्फा व बीटा कोण हो गए। तो अब इसके लिए सूत्र किस प्रकार से बनाया जाए ताकि यहां पर जो देने वाला इस प्रकार से क्वेश्चन है वह आसानी से हल हो जाए। तो इसके लिए सूत्र होता है Q1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बराबर Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, यह होता है इसके लिए सूत्र। अब आइए हम लोग इसमें न्यूमेरिकल को करते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को। तो जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया, एक आवेश हो गया Q1, एक आवेश हो गया Q2, तथा जो Q1 है वह कितना है। और एक बात यहां पर, यह तभी इससे इतने थीटा कोण पर बनाएगा जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, लेकिन फार्मूला पर कहीं पर भी पॉजिटिव और निगेटिव को लेना नहीं है, इसका फार्मूला यही होता है। अगर हम लोग इसमें निगेटिव को लेंगे तो यहां पर इसका फार्मूला होता है Q1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाई टू बराबर जीरो। तो हमने इसको यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर करने के दौरान यहाँ पर माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिया गया है। तो अब आइए हम लोग इसमें क्वेश्चन को हल करते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर इसके बीच की दूरी दे दिया r, और यहाँ पर यह 60 अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर वैद्युत बल रेखा गुजर रहा है, तो यह बीटा कोण पूछा है, तथा जो Q1 है इसका मान है 15 माइक्रोकुलाम, और इसका मान लीजिए दे रही है 25 माइक्रोकुलाम। तो अब हमें ज्ञात करना है, तो आइए अब हम लोग आसानी से इस सूत्र को लगाते हैं और इसका मान निकालते हैं। इसका मान लीजिए -25 माइक्रोकुलाम दे दिया। तो अब आइए हल करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, Q1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बराबर Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, यह इसका सूत्र होता है। अब यहां पर अल्फा का मान दिया है 60 और Q1 का मान दिया है 15, तो 15 हम लोग रखेंगे 15 × 10^घात, यहां पर 15 नहीं हम लोग 16 ले लेते हैं, यहां पर हो जाएगा 16 × 10^-6, इसलिए 16 यहां पर लिया गया क्योंकि आपके जो एग्जाम में देने दिया जाने वाला जो सभी क्वेश्चन है ना वो आसानी से कट जाएगा। अगर यहाँ पर 15 लेंगे तो जो इक्वेशन है काफी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए समझने के लिए यहाँ पर 16 ले लिए। अब यहाँ पर माइक्रोकुलाम है, तो एक माइक्रोकुलाम को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10^-6 मीटर। तो इसके बाद यहाँ पर क्या दिया, साइन स्क्वायर अल्फा का मान दिया है 60, तो यहां पर हो जाएगा 60/2 बराबर, अब Q2 का मान दिया है -25 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा 25 × 10^-6 इंटू यहां पर क्या दिया, साइन स्क्वायर बीटा हमें ज्ञात करना है, तो बीटा को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब यहां पर इसे 60 को 2 से काट देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 16 × 10^-6 साइन स्क्वायर 30 अंश का मान यहां पर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 25 × 10^-6 साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। अब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहां पर है साइन स्क्वायर 30 अंश, तो यहां पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1/4। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 16 × 10^-6 × 1/4, और यहां पर यह किस में है, गुणे में है, तो यहां पर यह इसके भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा 25 × 10^-6 बराबर इस साइड बचेगा साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। अब यहां पर यह 10^-6 है, यह भी 10^-6 है, तो जब यह यहां पर 10^-6 10^-6 जब यह ऊपर जाएगा तो 10^-6 × अब यह माइनस में है तो हमेशा ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, यह सब पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहां पर यह इससे कट जाएगा, या कटकर जीरो नहीं होता है, या घटकर जीरो होता है, इतना आप लोग जानते रहिए, कभी भी कुछ भी नहीं कटता है, वह हमेशा घटकर जीरो होता है। तो यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा 16/25 × 1/4 बराबर साइन स्क्वायर बीटा बाय टू। अब यहां पे साइन स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब रूट होता है, तो स्क्वायर को इस
और ला देंगे तो यहां पर यह हो जाएगा रूट में 16/25 × 1/4 बराबर sin β/2। तो अब यहां पर हो जाएगा 16, तो इसका अगर रूट लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, और इसका रूट लेंगे यहां पर हो जाएगा 5 × 2। तो यहां पर हो जाएगा 16 का रूट लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, और यहां पर 25, अब इसका कितना हो जाएगा, 25 का √5 और 4 का √2 बराबर यहां पर हो जाएगा sin β/2। अब इसका कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4/10 बराबर sin β/2। तो अब यहां से क्या करेंगे, दो साइन को इधर कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 sin इनवर्स (4/10) बराबर बीटा। तो बीटा का जो मान हो जाएगा इतना हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे, 2 sin को अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पर 2 sin। अब यहाँ पर यह कहाँ पर है, या गुणे में है तो भाग में आएगा, तो भाग को जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स लग जाएगा, पूरे का बटा 4/10 बराबर बीटा। तो यहाँ पर जो बीटा कोण का मान है वह इतना आता है। तो इस प्रकार से, या इंटर लेवल का नहीं है, यह कंपटीशन लेवल में इस प्रकार के इक्वेशन को पूछा जाता है। तो आप लोग जान गए इसे कैसे हल किया जाता है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आपको मित्रगण है वह भी आसानी से वैद्युत बल रेखाओं से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, उसे आसानी से लगा सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।